हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ चुके हैं लेकर एक और नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ट्यूबलाइट बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कि काफी छोटा होने वाला है और ये 15 वाट का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। दोस्तों, आज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को एकदम सेट कर लो, बिकॉज यहाँ पर जो गिव अवे का वीडियो है एंड सेटअप टूल का वीडियो है वो काफी जल्दी आने वाला है। तो सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन जाना जरूरी है, जिससे कि वो मेरा सेटअप टूल एंड गिव अवे देख के जीत सके गिव अवे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी सारी एलईडी को हीट सिंक के ऊपर लगा दिया है। एंड दोस्तों, यहाँ पर हीट सिंक लगाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, जिससे कि हमारी एलईडी लंबे समय तक चलेगी। अब यहाँ पर कनेक्शन जो इसे पैरेलली करना है, तो सारे पॉजिटिव एक तरफ है, सारे नेगेटिव एक तरफ है, तो सभी पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट कर दो एंड सभी नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप से मैंने 15 एलईडी का नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक समान कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग 2.2 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे हाफ वाट में। ये दोस्तों आप लोग कलर कोड देख लो, इससे जो है कि एलईडी हमारी कभी भी फ्यूज़ नहीं होगी, लंबे समय तक हमारा ट्यूबलाइट बहुत ही समय तक चलता रहेगा। बिकॉज यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इसे हम लोग 5 वोल्ट 2 एम्पीयर के चार्जर से रन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे मैंने सॉकेट के नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम लोग नेगेटिव में जो है यहाँ पर एक छोटा सा हीट सिंक का पीट लगा देंगे, मतलब इस टाइप से यहाँ पर हीट सिंक सेल्यू लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसी से टच नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट का दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देंगे, तो जो पॉजिटिव है वो सॉकेट के पॉजिटिव में और जो नेगेटिव है वो सॉकेट के नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन होता है कंप्लीट। चलिए अभी इसे बंद कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग फिल्म सीट भी लगाएंगे, जिससे कि इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फिल्म सीट का यूज़ करना है, जो कि मोटर वाइंडिंग शॉप में मिलता है, एंड इसके ऊपर लगा देना है गाइस कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। सॉरी दोस्तों, जो वीडियो थी उस समय नहीं बन पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है फिल्म सीट मैंने लगा दिया, उसके बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये आप लोग थोड़ा सा कट कर लेना इसके साइज़ का एंड यहाँ पर लगा लेना। तो ये तो हो चुका है कंप्लीट, पर अभी देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा। चलिए अब इसे पेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे ब्लैक कलर से पेंट करूँगा, जिससे कि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट है तो ब्लैक अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसे ब्लैक कलर से भी पेंट कर लिया है। आप लोग कोई भी कलर से, अपने पसंद के कलर से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल सा माइक्रो एसबी चार्जर लिया है एंड इसे यहाँ पर देखिए प्लग करते ही लाइट हमारी ग्लो कर रही है। तो चलिए अब मैं आपको अंधेरे में भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इसे 5 वोल्ट 2 एम्पीयर ही देना है, उससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होकर ख़राब हो जाएगी, जिससे हमारा एलईडी बल्ब भी ख़राब हो सकता है। तो गाइज, अभी आप सब देख सकते हैं मैंने अंधेरे में आपको टेस्ट करके दिखाया, काफ़ी अच्छी रोशनी ये दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी और टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी। तो गाइज, आप इसे पढ़ने वक्त यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं पर आप अंडर टेबल वीडियोज़ बनाते हैं जैसे मैं बनाता हूँ, तो आप लोग उसमें लाइटिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर फेस कैम वीडियोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये लाइट आपको दे देता है। तो गाइज, अभी आपको मैं अपने दीवार के ऊपर दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप से। लाइट इसकी काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म सीट इसलिए लगाना जरूरी है, जिससे कि ये आपके आँखों पर चुभे ना, वरना ये आपको आँखों पर चुभेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आप तक गिव अवे का नोटिफिकेशन पहुंचेगा एंड गिव अवे आप लोग जीत सकोगे एंड अपने प्रोजेक्ट को बना सकोगे। तो चलिए, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।